जी हाँ, स्वागत है सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 14, 15, 16 नवंबर 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नर्सों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय है द नर्स एंड डायबिटीज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोडमैप लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। कर्नाटक के इसमें मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल वजूभाई वाला। हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। साल 2016 से हर साल 13 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। बॉलीवुड अभिनेता आरिफ मसरा का निधन हो गया है। सिक्किम के पूर्व सीएम सांचमन लिम्बो का निधन हो गया। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें कपड़ा मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। आईएसएफ प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को पारित कर दिया है। इसमें आईएफएससी के अध्यक्ष हैं एनजेटी श्रीनिवास और इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी ने 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगा। इस यात्रा का विषय है सो इंडिया टू इंडियंस, भारतीयों को भारत के दर्शन है। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा की कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, इसे सामसर स्थलों की सूची में जोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी की शुरू की गई है। ट्राम श्याम बाजार स्पनलैंड और स्पनलैंड गरिया हाट रूट पर चलेगी। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। महाराष्ट्र की लोणार झील रामसर साइट के रूप में चुना गया है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। 15वें एशिया प्रशांत देशों ने 17वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
आरसीपी के सदस्य दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की, जो ब्राह्मण ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने कोविड-19 एशियंस रिस्पांस फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रैंड ब्रिटेन के हैं। तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत हासिल किया है। इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं सर्जियो पेरिस और तीसरे नंबर पर हैं स्प्रिंटर वेटल, तीसरे स्थान पर रहे। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।